हारिस, तुम फिर ये फिल्मी सफा खोल के बैठ गए हो? अरे नहीं नहीं, घर में डाकू आ रहे हैं। क्या, हमारे लोगों के? तो फिर ये खबर आप इतने गौर से क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों भाई, हमारा घर नहीं है यार, हर घर में थोड़ी डाकू आते हैं। हाँ, लेकिन आ तो सकते हैं ना। अरे नहीं यार, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। तुमने घर में कभी डाकू देखे नहीं? होंगे तो देखूंगी ना। बड़ी गंदी गंदी गालियां देते हैं, और अगर कोई बात ना माने तो उसको गोली भी मार देते हैं। तो जाहिर सी बात है, फिर उनकी बात मानने नहीं चाहिए, सिंपल। हाँ, लेकिन हर बात नहीं उनकी मानने वाली। क्यों भाई, वो सिर्फ जेवर ही तो मांगते हैं आपसे। मेकअप का भी कहते हैं कि मेकअप भी उतार दो। देखो, जेवर मैं उनको दे सकती हूँ, लेकिन जहाँ तक रहेगी मेरे मेकअप की बात ना, तो मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कम मेकअप लगाती हूँ, ये नहीं उतारूंगी। नहीं नहीं, कुछ घरों में खवातीन ने डाकू के कहने पे मेकअप उतार दिए हैं। फिर? बस फिर भागे डाकू। हारिस, वेरी बैड, यू नीड टू लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन, औरतों की इज्जत करना सीखो। अच्छा भाई, मैं जा रहा हूँ, और घर अच्छी तरह लॉक कर देना, और सुनो, अगर डाकू आए तो उन्हें अच्छे से अटेंड करना। क्या मतलब? जस्ट जोकिंग, कोई मत अटेंड करना, या कर लेना, कोई मसला नहीं, मैं लिबरल आदमी हूँ। लॉक कर लो। हारिस का फोन। हाँ हारिस। अरे हारिस नहीं, मैं बोल रहा हूँ। अरे यार, क्या मजाक है, अपनी आवाज में बात करो। ओए, अपनी आवाज में बोल रहा हूँ, गौर से सुन। हाँ, गौर से ही सुन रही हूँ। सुनो, घर का कुछ सौदा सामान लाना है। अबे मैं मंगू बोल रहा हूँ, मंगू। तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? भाई साहब, कौन है आप? आप काइंडली हारिस को फोन दीजिए। जो तुम्हारे पास है? जाहिल आदमी, जो आपके हाथों में फोन है ना, ये फोन दे उसे। अरे कहा ना कि मेरे पास कोई फोन नहीं है। अल्लाह, जिससे बात कर रहे हैं आप, ये फोन दे उसे। अरे बात तो मैं तुमसे कर रहा हूँ। भाई आप बहुत ही कोई जाहिल, अनएजुकेटेड और स्टूपिड आदमी है। अरे स्टूपिड नहीं, अगवा कार हूँ, अगवा कार। व्हाट कार? अगवा कार, और तुम्हारे शौहर को हमने अगवा कर लिया है, अगवा। क्या? हाँ। सुने, मैं बात कर सकती हूँ उनसे? अरे ये तो शौहर से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? आप प्लीज मेरी बात करवा दें उनसे। अबे और चुप ने, बात कर। अबे तेरे बाप का नौकर हूँ क्या? चल खुद बात कर। हेलो मलाइका। हारिस, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, बस वो थोड़ा सा अगवा सा हो गया हुआ। हाय अल्लाह, मैं मर गई। हारिस अब क्या होगा? हेलो, अब रकम का इंतजाम होगा, वरना हम इसे मार देंगे। नहीं 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 नहीं, मेरे भाई प्लीज प्लीज, आप ऐसा बिल्कुल मत करना प्लीज। हाँ। मैं ऐसे ही करूंगा, अगर शोर चाहिए तो 2 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करो, ऐसा मैं कई बार कर चुका हूँ, समझी तुम? 2 करोड़? हाँ 2 करोड़। और सुन, अगर पुलिस को बताया ना तो तेरे इस चिकने शोहर की खैर नहीं। हेलो। ये तो डाकू लेके घर को आ रहा था, इसको रास्ते में ही डाकू पड़ गए। अम्मा, अम्मा, अम्मा! हाय, क्या हो गया? अम्मा क्या हो गया, क्या हो गया? अगवा, अगवा, अगवा। और कौन अगवा हो गया? हारिस। हाय मैं मर गई, किसने अगवा किया हारिस को? जाहिर है अगवाकार ही उन्हें अगवा करेंगे ना। हाय मेरा बच्चा। ओए कोई पुलिस को फोन करो। नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, पुलिस को अगर आप बताएंगी तो अगवाकारों ने कहा है फिर हारिस की खैर नहीं है। तो क्या उनके पास ही रहेगा वो? आई डोंट नो, वो हम लोगों से 2 करोड़ मांग रहे हैं। 2 करोड़? हाँ। ले असी इत्थे कोई बैंक खोल लिया है। खाला अब क्या होगा? अम्मा वो मैंने सुना है अगर इन लोगों को पैसे ना दो ना तो ये लोग तो तावान के चक्कर में बंदा वाकई में मार देते हैं। इज दैट ट्रू? नहीं कोई खैर दी गल कर। खाला खैर दी नहीं, वो रकम की बात करो ना। पर करें किससे? अगवाकारों से और किससे? क्या बात करें हम? अरे रकम कुछ कम करवाओ ना, हम औरतें तो 5,000 का छूट 2,000 में ले आती हैं। अच्छा तो मैडम आपके ख्याल में वो कितनी रकम कम करेंगे? वैसे ना अगर हम बहस करें तो बात 1-2 लाख में टल जाएगी। क्यों? अम्मा ये अगवाकार है, दुकानदार नहीं। नहीं तू तो अपनी बहस बंद कर। या रब्बा, मेरा पुत्र किस हाल में होगा? Hey, brother, bro, यार, भाई को भी थोड़ा चखाओ ना। तू फिकर नहीं कर, तू सोने की चिड़िया है हमारी, मरने नहीं देंगे तुझे। ओए रंगो। ये उस्ताद। इसे कुछ खाने को दे। उगल। बस। तो आज पूरा पैकेट खाएगा तू? खुद पूरा पैकेट खा लोगे, मैं क्या आधा भी ना खाऊं? देख बे, तेरा भूखा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। भूखा रह के तेरी शक्ल हो जाएगी ना बड़की माड़कू बिल्ली जैसी, फिर तेरी तस्वीर हम तेरे
घर में सेंड करेंगे बल्कि तेरी दोनों बीवियों को सेंड करेंगे हाँ। और फिर देख वो कैसे बंदोबस्त करती है रकम का। 2 करोड़ 2 करोड़ क्या कम रकम होती है? अबे 2 करोड़ क्या होती है, इससे ज्यादा रकम तो दही भल्ले वाले के अकाउंट से निकल रही है आजकल। ओ भाई मैं तो दही भल्ले नहीं बेचता ना, और वो उसकी अपनी नहीं थी भाई, हमारा मसला नहीं है। अरे रंगो इसकी बीवी को जरा फोन तो लगा। जी उस्ताद। अबे बेवकूफ, अपने मोबाइल से नहीं इसके मोबाइल से मिला, खुद भी मरेगा और सारे हमें भी मरवाएगा। अबे जल्दी कर। हेलो उस्ताद, एक मिनट। मेरा शौहर अगवा हो गया है चाचा, और रिश्तेदारों को तो परवाह ही नहीं है मेरे शौहर की। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पैसे दे दे बस। हेलो, इसने भी जवाब दे दिया हमें। यार अब क्या होगा? अरे हारिस का फोन। हेलो। हाँ क्या बना? वो आलू पालक बने हैं। अबे मैं खाने का नहीं पूछ रहा, रकम का क्या बना बोल। रकम का तो कुछ भी बना ले, उससे गाड़ी खरीद ले, घर बना ले, शादी कर ले, रकम से तो कुछ भी हो सकता है। अरे इंतजाम हुआ कि नहीं ये बता। देखे ना प्यारे भाईजान, हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। शट अप, आज शाम तक रकम का इंतजाम हो जाए, वरना कफन दफन का इंतजाम कर लेना। क्यों, आप क्या खुदकुशी करने लगे हैं? अरे इसे मार देंगे। अरे भैया इसे किसे? तुम्हारे शौहर को। अबे क्या नाम है तेरा? हारिस। देखो भाई साहब। अबे फोन पे क्या देखूं हाँ? मेरा मतलब है आप मुझे अपने ईमान से बताएं, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के, क्या 2 करोड़ पे बनते हैं? क्या मतलब बनते हैं? मेरा मतलब ये कि आप मार्केट से तो ज्यादा लगा रहे हैं ना भाई साहब। अच्छा तो मार्केट रेट क्या है बताओ जरा। अरे भैया मार्केट के रेट को छोड़िए ना, आप ही थोड़ी सी रियायत कर ले, पहली बार ये आपसे अगवा हुए हैं। ओ बीबी कोई बोझ की का सूट नहीं खरीद रही, मियां चाहिए कि नहीं चाहिए तुझे? तुम्हारा शौहर भी है क्या? अबे मैं तुम्हारे शौहर की बात कर रहा हूँ, चाहिए कि नहीं चाहिए? जाहिर है भाई साहब चाहिए ना, क्यों नहीं चाहिए? हाँ तो फिर शाम तक 2 करोड़ अपनी जुबान में 2 खोखा 2। हाँ हेलो 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 सुनो मेरी बात सुनो। हेलो अगली बार ना इस बुड्ढे से मैं बात करूंगी, अभी तेरे बस की बात नहीं है। कौन आ गया भाई इस टाइम पे? डर क्यों गए, कभी पुलिस वाला नहीं देखा क्या? खाला। अरे मैं इंस्पेक्टर को भूत नहीं हूँ। खाला चेतिया हो। हाय हाय निकी हो गया, कौन आ, 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 आप किधर आए? यहाँ कोई अगवा हुआ है? हाँ हाँ वो नहीं इधर कोई अगवा नहीं हुआ, देखिए आपके सामने सारे कार वाले खड़े हैं। देखिए हमारी इतला के मुताबिक इस घर से एक फर्द अगवा हुआ है। भाईजान मैंने आपसे कहा है ना कि कोई अगवा नहीं हुआ। देखिए बीबी हमारी इतला गलत नहीं हो सकती, सच सच बताए। वो दरअसल मेरा शोर जो है ना वो ओ अच्छा तो इनका शोर अगवा हुआ है? नहीं जी मेरा शोर तो फौत हो चुका है। अच्छा ये बताइए कि इस घर में कितने लोग रहते हैं? जी वो 4 लोग माइनस 2 मतलब 2 तो आपके सामने ही जो खड़े हुए हैं। हारिस और आपकी दूसरी बहू क्या वो इस घर में नहीं रहते? पुलिस से हकायक छुपाने की सजा जानते हैं आप लोग? क्या है लगा रखी है, हटी आगे से, मुझे दूसरे अफराद से पूछ करनी है। ओए मेरा मतलब है आप गलत कर रहे हैं, आप मेरे रास्ते में नहीं आइएगा, पीछे हटे, रास्ता दे मुझे। अच्छा सुनो वो मंगू कहाँ है स्वीट किड? वो बाहर का जायजा लेने क्या आ जाएगा। अच्छा ये जो मंगू है ये तुम्हारा भाई है? नहीं। तुम उसके भाई हो? अबे जब वो मेरा भाई नहीं है तो मैं उसका भाई कैसे हो गया? नहीं देखने में तुम उसके भाई लगते हो। ये इत्तेफाक से यार, वैसे ये जो 2 करोड़ रुपए हैं तो इसमें से यार बड़ी तुझे क्या मिलेगा? क्यों क्यों पूछ रहा भाई? यार अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो इट्स ओके, ना बताओ यार। कोई 10-15 लाख बस। क्या मतलब बस है? ओहो लेकिन देखो यार खतरा तो तुम भी बराबर का ही मोल ले रहे हो। आई मीन फर्ज करो कि अगर अभी अभी पुलिस आ जाए तो ए? अब फर्ज करो, फर्ज मिसाल ले रहा हूँ यार। गोली तो नहीं देखेगी ना उस्ताद कौन है तो शागिर्द कौन है? क्या बकरा बे? देखो यार मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर खतरा बराबर का है तो फिर रकम भी बराबर की होनी चाहिए। वो मेरा उस्ताद है। तुम क्या मिस्त्री का काम सीख रहे हो? जानी ये गोली है, गोली नहीं देखती उस्ताद कौन है शागिर्द कौन है। चुप रे। अच्छा भाई वैसे यार गौर जरूर करना मेरी बात पे। कौन सी बात है? अच्छा यानी कि वो बराबर के हिस्से वाली बात अब तुम्हें याद ही नहीं रही यार, जब याद आ जाए तो तब गौर कर लेना। वैसे मैं बिल्कुल ही इंसानी हमदर्दी के तहत कह रहा हूँ कि अगर खतरा है तो फिर शेयर भी बराबर होना चाहिए ना मेरी तरफ से, वरना दोनों जाओ मरो। अब गलती मुझसे तो गलती हो गई यार। अबे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया?
बराबर का हिस्सा और तू क्यों गोली बराबर की। अच्छा वैसे बच्चे की बात में दम है। ओए तू चुप रह। यार ब्रदर मैं भी इस घर का फर्द हूँ यार। अबे तू चुप रह, हमारी आपस की लड़ाई चल रही है, तू बीच में दखलंदाजी कर रहा है। भाई तेरा क्या मसला है? मेरा कोई मसला नहीं है, मसला तकसीम का है। अबे रकम तो आ जाए, तकसीम भी हो जाएगी। नहीं तकसीम पहले तय होनी चाहिए। अबे तुझे ना दो हिस्सों में तकसीम कर दूंगा। याद रख उस्ताद पिस्तौल मेरे पास भी है। अबे तेरी ये हिम्मत, अबे मंगू के सामने जुबान चला रहे रंगू। अरे मान लो ना यार मंगू उस्ताद, देखो बच्चा बेचारा को नाजायज बात नहीं कर रहा यार। अच्छा तो ये तुम्हारी पढ़ाई भी पट्टी है? कसम से यार मैंने अकल के अलावा मैंने और कोई पट्टी नहीं पढ़ाई। तो तुम्हारे नजदीक अकल की बात यही है? इसने कुछ नहीं बताया, मुझे रकम में बराबर का हिस्सा चाहिए बस। अब तो तुझे एक ढेला भी नहीं मिलेगा। और याद रख अगर तूने ऐसी वैसी हरकत की ना तो तेरे सारे कट्ठे छट्टे पुलिस को बता दूंगा, समझा? मैं भी बता दूंगा। मैं बकवास, बंद कर बंद कर। शाबाश 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 रंगू, पकड़ ले इसको, बता इसको तू तेरी क्या। हमारी तहकीकात के मुताबिक अगवाकार शहर से 50 किलोमीटर दूर वीराने में है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये कौन है? ये हमारे अंकल उर्फी हैं। रकम का बंदोबस्त ना यही करेंगे। अगर वो शहर से कुछ किलोमीटर दूर है तो आप आसानी से उन्हें पकड़ सकते हैं। देखिए इतना आसान नहीं है जनाब। क्यों? वो इतनी वीरान और खाली जगह है कि दूर से नजर आ जाता है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। कभी आप कहते हैं रकम का इंतजाम करें, कभी कहते हैं अखबारकारों का पता लगवा लें, आखिर आप चाहते क्या है, मकसद क्या है आपका? देखिए मैं चाहता हूँ कि रात होने से पहले हारिस को आजाद करवा लिया जाए। तुम्हारे दिमाग ही ठिकाने नहीं है, तुमने खाक कितने पर पकड़ने। मलाइका मैंने रकम का बंदोबस्त कर लिया है, तुम मुझसे पूछो कि रकम पहुँचा नहीं कहाँ। ठीक है ले भाई आ गया फोन। एक काम करें मेरी बात करवाइए। आप चुप रहें मुझे बात करने दें। हेलो जी मैं बोल रही हूँ, आप मेरी जरा रंगू से बात करवा दें। आप उनको बता दें कि पैसों का इंतजाम हो गया है, हमें हमारे शोहर से बात करनी है। क्या अब 2 की जगह 3 करोड़? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हम क्या पागल के बच्चे हैं? यहाँ पे क्या बैंक खोल के बैठे हुए हैं? जगह पूछो जगह पूछो। अच्छा आप ये बताइए कि रकम कहाँ पहुंचानी है। भैया बाद में क्यों, अभी बताइए ना। हेलो क्यों है ये लोग ना रकम बढ़वाना चाह रहे हैं। क्या? हाँ मैंने कहा था ना मेरी बात कराए, हम ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि किससे किस तरह डील करनी है। जाहिर है ये आपका रोज का काम है और आप करते क्या हैं? देखिए आप खामखा मुझ पे शक कर रहे हैं। हाय सत्यानाश अब क्या होगा हमारा। इंस्पेक्टर साहब ये रंगू कौन है? रंगू पता करके बताता हूँ मैं। प्लीज अल्लाह हाफिज। थैंक यू शुक्रिया। चलो 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 अंदर बैठ के सोचते हैं क्या करना। अब सोचो करना क्या, आगे चलना। अरे बहुत पछताएगा तू, बहुत पछताएगा। चुप चुप अभी सरदार मैं हूं मैं। ये डाकू का ग्रोथ थोड़ी है जिसका तू सरदार है। चुप हो जा वरना गोली मार दूंगा। गोली अब तुझे लगेगी, क्या जरूरत है रकम बढ़ाने की? 2 करोड़ से बनता क्या है? तो 3 करोड़ से क्या बन जाएगा? और तेरे बाप की मिले चल रही है वहाँ पे जहाँ से 3 करोड़ आएगा। आएगा 10 करोड़ भी आएगा। कहाँ से आएगा? अगर उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी तो 10 करोड़ भी आएगा। तो फिर ताजमहल भी मांग ले उनसे। खामोश मैं मंगू नहीं रंगू, ऐसी गोली मारूंगा कि दूसरा सांस भी नहीं निकलेगा। वो तो कोई भी गोली मारेगा तो दूसरा सांस नहीं आता, उसमें तेरा क्या कमाल है? देख देख मेरी बात सुन, तुझे अभी पूरी तरह से डील करने का तरीका पता नहीं है, इसलिए तू 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 मुझे खोल। तुझे खोलूंगा लेकिन तेरा खुन्ना खोलने के बाद। अबे देख जिसने उस्ताद की इज्जत ना की ना तो उसे दोनों जहानों में इज्जत नहीं मिलती और सुकून भी नहीं मिलता। तूने मुझे बड़ा MBA करवाया और तेरी बीवी की आवाज बहुत स्वीट है यार। शट अप, किसी इंतहाई गंदे खानदान की गंदी औलाद हो तुम। सही कहा सही कहा। ओ तू मेरे खानदान तक गया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए ओए रंगू छोड़ छोड़ से वरना मर जाएगा। छोड़ कमीने मार दिए ना इसे। उस्ताद ये तो वाकई मर गया। बड़े बेगह रहता तू, अब ले ले 3 करोड़, अब फांसी खुद भी चढ़ेगा और मुझे भी मरवाएगा। नहीं नहीं उस्ताद। अरे नहीं उस्ताद के बच्चे, देख देख आ गया ना उसका फोन। गॉड नीलम ये तो नंबर ही नहीं उठा रहा। हाय अल्लाह खैर करे, नंबर चेक कर वही तो नहीं है, गलत नंबर है। नहीं यार इसी नंबर से तो मैं बात करती थी इनसे। मुझे लगता है कि ये लोग रकम बढ़ाना चाह रहे हैं। हैं? और कितनी रकम बढ़ाएंगे हम? उनके कब्जे में हारिस की जान है,
वो जितनी रकम कहेंगे हमें देनी होगी। सच पूछे तो मुझे ना सिर्फ हारिस की फिक्र हो रही है यहाँ पे। उसी फिक्र की वजह से तो हम इतनी बड़ी रकम दे रहे हैं उन्हें। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो भाई साहब, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैंने आपसे कहा है ना, आपने हारिस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर आपने उसको नुकसान पहुंचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कह दिया था ना आपसे कि रकम का इंतजाम हो जाएगा, तो हो गया है। अब बताइए आप, रकम कहां पहुंचानी है? मुझे दो। तुम ये बताओ कितने बजे पहुंचाना है? ठीक है, चलो ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। ओके ठीक है। अंकल उर्फी, मुझे लग रहा है कोई ना कोई घपला है। मेरा दिल भी ना जोर जोर से धक धक कर रहा है। मुझे लग रहा है कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। भाई कुछ भी हो, हमें रकम तो पहुंचानी होगी। हाँ। देखिए मेरी बात सुनो, आपको बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है। आप एक काम करें, रकम मुझे दे दीजिए। हरगिज नहीं, हमें हारिस की जान अजीज है। आप करीब बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम खुद पहुंचाएंगे रकम। देखिए आप बात को नहीं समझ रहे, कोई बड़ी वारदात हो चुकी है और ये लोग मुफ्त में रकम ले जाने के चक्कर में है। अब ये हमारा मसला। देखिए आप कार्य सरकार में मुदाखलत ना करें, हमें पता है कि हमें क्या करना है। और एक बात समझ लें, आपको हमसे ताउन करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं लेंगे जब तक कि हारिस वापस नहीं आता। ओके ठीक है, थैंक यू। चलो हाँ, अब क्या होगा पता नहीं। इंस्पेक्टर साहब, हारिस अभी तक क्यों नहीं आया है घर? अंकल आपने रकम तो दी थी ना? हाँ हाँ, मेरे सामने दिए। और किडनैपर से कहा था कि हारिस दो घंटे बाद घर पहुंच जाएगा। माँ का दिल घबरा रहा है, कोई यकीन ना होने होने वाली। अम्मा प्लीज चुप करें, खैर की बात करें यार। हौसला रखें हौसला, हमने बहुत कोशिश की है। हाय मैं मार गई मेरा शौहर, अब मेरा क्या होगा? मैं ऐसे नहीं कह रहा था, बंदा मार दिया उन्होंने। तुम्हारा बेटा उनको रकम मिल गई तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया माँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना। शुक्र है हारिस तुम्हें कत्ल नहीं किया। तुम लोगों के सामने खड़ा तो हूँ मैं। हाँ ये तो कह रहे थे अब्बा कारों का कोई भरोसा नहीं होता। खुदा के शुक्र है कि तुम जिंदा सलामत वापिस आ गए हो भाई। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। क्या होगा? अरे पुलिस की एक पार्टी जा चुकी है उनको गिरफ्तार करने के लिए, और अब मैं खुद जा रहा हूँ, अपनी निगरानी में उनको गिरफ्तार करूंगा। बराबर, हम दोनों को बांध के खुद चला गया। हमारे सामने डाकू बन के अपने घर वालों को वक्त और जगह बता रहा था। मैं तो समझा वो मर गया उस्ताद। अबे वो नहीं, हम मर गए। अब चला था मंगू बनने के लिए, अब 3 करोड़ तो क्या 3 रुपए नहीं मिलेंगे तुझे। हर इंसान को तरक्की करने का हक है उस्ताद। अरे हो गई ना तेरी तरक्की इस बार नहीं तो क्या अगली बार से। अब खैरियत इसी में है, म्यूजिक किसी तरह से खोल दे। कैसे खोलूं उस्ताद? अबे किसी भी तरह से खोल दे। खुल जा सिम सिम। यहाँ तेरा कौन सा अली बाबा बैठा है जो 40 चोर आके दरवाजा खोलेंगे? मेरे पास तो एक तरीका है उस्ताद। ओए अरेबियन नाइट के बच्चे, हमें पुलिस पहुंच जाएगी। पुलिस को यहाँ कैसे पता चलेगा उस्ताद? अबे वही बताएगा, और कौन बताएगा? उसके बाद 3 करोड़ है, उसका दिमाग खराब है, पुलिस को बताएगा? वॉशरूम भी आ गए। मुझे भी उस्ताद। अबे कुछ कर रहा हूँ। कुछ क्या, वॉशरूम में ही करूंगा। अबे खोलने का नहीं उस्ताद, अपने आप ही खोलना पड़ेगा। अबे रस्सियाँ, कह रहा हूँ रस्सियाँ। है उस्ताद तेरी शलवार में रस्सियाँ? कैसा बेवकूफ है जो ये रस्सियों में बंधा हुआ हूँ मैं। अबे मुझे कह जा रहा है, अपनी रस्सियाँ खुद क्यों नहीं खोल रहा? अगर मुझसे खुलती तो मैं तुझसे कहता। अबे अगर तुझसे नहीं खुल रही तो मुझसे कहते खुलेगी? आपके सारी उम्र इस बिराने में बंधे रहेंगे उस्ताद। तुझे कह रहा, अबे कभी तो कोई आएगा। लगता है कोई आ गया उस्ताद। थैंक यू सो मच अंकल, आपने ना हमारी मुश्किल वक्त में मदद की है। 3 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती, सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेटा बच्चों के सामने ये बहुत छोटी रकम है। मैंने इससे तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। What? हम वो जो डाकू है ना, इडियट स्टूपिड डाकू, वो इससे बहुत कुछ करेंगे देखना। भाई वो गिरफ्तार हो चुके लेकिन ऐसे ढीठ है, माना नहीं कि रकम उनके पास है। उनके पास है भी तो नहीं ना। क्या मतलब? मतलब अंकल उन्होंने किसी तक पहुंचा दी होगी, आई एम श्योर। किस तक? मुझ तक। तुम तक? मुझ तक? तुम तक ये क्या है? मतलब पता नहीं मैं क्या बोले जा रहा हूँ। अच्छा मलाइका बेटा, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू थैंक यू। कितने अच्छे है ना। 3 करोड़ नहीं हारिस अंकल, मुझे एक ही बात है। अच्छा मैं सोच रहा था कि अब हमें नया घर ले लेना चाहिए, 1.5 करोड़ का तो आ ही जाएगा। सीधी इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ बाकी इतना पैसा कहाँ से आएगा?
I was just kidding. मुझे क्या पता? You are so मलाइका, मलाइका, अरे मलाइका भी मर गई. इनकी अलमारी में ना इतने पैसे पड़े हैं करोड़ों रुपए. पूछो कहाँ से आए? क्या? What? WHOSE what? तुमने मेरी अलमारी खोली क्यों? खुद ने तो कहा था कि मेरी अलमारी से जाके टाइस फ्री कर दो. एक मिनट. इतनी सारी रकम तुम्हारे पास आई कहाँ से? I think जो डाकू हैं उनके कलीग जरा छोड़ गए. What? डाकू? डाकू कैसे छोड़ के जा सकते हैं? हाँ, मैं भी हो सकता हूँ उनके कजन्स हो गए. Listen, ये रकम अंकल वाली है. ये तो हमने उन्हें वापस कर दी है ना? हाँ नहीं देखो नहीं नहीं देखो बात तो सुनो नहीं. चलो, उनकी रकम है उन्हें वापस करने दो मुझे. बुलाने उन्हें, अंकल जी.